हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज। बस अब मैं अपने रूम से निकलने वाला हूँ। अभी मैं अपने रूम में हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे घर से ही, ओमान का टूर कराने वाला हूँ। अरब देश ओमान का जो सड़क का नज़ारा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं अपने रूम से निकलता हूँ। मैं नीचे मेरे दोस्त आ चुके हैं गाड़ी लेकर। गाड़ी में बैठ के हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलो चलते हैं। ये देखिए, रोड के बीच में ये जो दिख रहा है, ये कैमरा है, ये वाला, ये कैमरा ओवर स्पीड कैच करने का कैमरा है। ये देखो, ये मेरे दोस्त गाड़ी चला रहे हैं। इस समय हमारी गाड़ी चल रही है। नहीं गाय, देखिए ये बंजर भूमि के बीच में ओमान का एक गांव है। अभी बसावट शुरू हुई है यहाँ पर, अभी मकान बनने शुरू हुए हैं। सामने पहाड़े देखिए। और बात करें रोड की, रोड के पल्ली तरफ देखिए, ये भी एक सिटी है। सामने पहाड़ नजर आ रहा होगा आपको। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में हरियाली होती है, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमान के पहाड़ ऐसे होते हैं, देखिए बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल जैसे गंजा सर हो इस प्रकार का पहाड़ है। देखिए मेरे दोस्त गाड़ी चला रहे हैं और मैं साइड वाली सीट पे बैठ के आप लोगों को दिखाने के लिए इस वीडियो को बना रहा था। आज हम जा रहे हैं वादी अलसाब, जहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। 160 किलोमीटर हम जा रहे हैं मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट से। वहाँ जाकर बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। हम जा रहे हैं वादी अलशाम्स, उस जगह पर मैं पहली बार जा रहा हूँ। देखने में, फोटो में देखा है, वीडियो में देखा है, दोस्तों ने भी कहा है कि वहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल भी खिले हैं, हरियाली है, पहाड़ों के बीच में से झरना बह रहा है, एक नदी आ रही है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हरियाली, पेड़ पौधे, झरना, नदी, ये सबको देखने के लिए हम ओमान देश की राजधानी मस्कत से 160 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ये इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसी वीडियो को Facebook पर देखते हैं तो नीचे देखिए फॉलो का बटन है, उस बटन को दबा के शर्मा मिक्स ब्लॉग Facebook पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को Facebook में भी डालूंगा और YouTube में भी डालूंगा। गाइस देखिए यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, ओमान देश के पहाड़ कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। हमारे यहाँ के पहाड़ों में हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन यहाँ के पहाड़ों में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बस रोड सड़क बहुत बढ़िया, यहाँ का यातायात, यहाँ का ट्रैफिक, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पहाड़ देखिए बहुत मजबूत पहाड़ हैं ये, जैसे सीमेंट लगा रखा हो। ये भूकंप से भी नहीं ढहते और लैंडस्लाइड से भी नहीं गिरते, बहुत मजबूत पहाड़ हैं। अगर यहाँ पर रोड बनाना पड़ जाए तो पहाड़ों को काटना पड़ता है, जबरदस्त तरीके से पहाड़ को काट के बनाया गया है। देखिए इस रोड को, देखिए पहाड़ को काट के बनाया गया है रोड को। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, उस पहाड़ को काटने के बाद इस रोड को बनाया गया है। 6 लेन का रोड है ये, बहुत बढ़िया जबरदस्त रोड है। इस रोड पे गाड़ी चलाने की जो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल सकती है, 120 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ओमान का क्षेत्रफल है 309,500 वर्ग किलोमीटर है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यहाँ की जो मेन भाषा है, मेन लैंग्वेज है, अरबी है, यहाँ पर अरबी बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन, इंडोनेशिया, कई देशों से यहाँ पर, इथोपिया, अफ्रीकन कंट्री से कई देशों से यहाँ पर लोग आते हैं, तो विदेशी भी बहुत हैं यहाँ पर। पहाड़ को क्रॉस करने के बाद एक सिटी नज़र आया, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन रोड के किनारे पे बढ़िया सिटी बना हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छा शहर है ये मेरे ख्याल से। ये सूर है, यहाँ पे देखिए ओमान का फ्लैग भी लगा हुआ है, ओमान के झंडे लगे हुए हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप ओमान में घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आने का जो एक्चुअल समय है, अक्टूबर महीने से लेके फरवरी महीने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने के लिए आइएगा घूमने के लिए। यहाँ पर गर्मी नहीं मिलेगा, नॉर्मल मौसम मिलेगा। बाकी के महीने में बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, यहाँ का टेम्परेचर 50, 52, 54 डिग्री तक पहुँच जाता है। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक घूमने के लिए आते हैं। देखिए ओमान में भी वोडाफोन का टावर है, देखिए
मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वोडाफोन का टावर है, ओमान में भी वोडाफोन चलता है। गाइस ये जो रेजिडेंस एरिया देख रहे हैं ये ओमान देश की राजधानी मस्कट का है। अभी मैं मस्कट के अंदर ही हूँ, वापस आ चुका हूँ, जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ से आ गए। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। तो ये आप देख रहे हैं ये मस्कट के घर हैं, ओमान देश की राजधानी मस्कट। लोग अपने घर के बाहर खजूर के पेड़ और अन्य पेड़ भी लगा रखे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा। हमारे चैनल से या हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़ जाइएगा। शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है, शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा फेसबुक पेज है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हमेशा सकारात्मक सोचते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जनवरी 2024 शुरू हो गया है, नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर, हमेशा खुश रहिएगा। ओके अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।